वेलकम दोस्तों, यूपीएसआई का जो एग्जाम है वो किसी भी समय उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ सकता है। तो देखिए, जो पहला एग्जाम हुआ था डाटा सफिशियंसी, उसमें ज़्यादा पूछा गया था, तो उसका वीडियो मैंने उस समय भी डाला हुआ था, उस पर भी अच्छे खासे व्यूज हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। तो उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था उसी के बेसिस पे डाटा सफिशियंसी। देखिए, मैं आप एसआई के बारे में जो भी वीडियोज हैं आपके मैथमेटिक्स के और रीजनिंग के, वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मेरा मेंसुरेशन का पूरा ज्योमेट्री का था वो भी कंप्लीट हुआ, उसमें अब मेंसुरेशन वहाँ पर चल रहा है। इसके साथ साथ रीजनिंग का पार्ट भी मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। तो यूपीएसआई के बारे में जो मैंने अभी वीडियो डाला हुआ था, आपने उसको देखा होगा, तो आप देखिए पर डे जो भी वीडियो आपके रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहेंगे, जिस टॉपिक से आएगा वो टॉपिक इसमें ज्यादा रहेगा। और रीजनिंग का पार्ट आपने देखा था कि बैंकिंग का पोर्शन ज्यादा उसमें आया था। ठीक है, चाहे आपका डाटा सफिशियंसी हो, चाहे आपका मशीन इनपुट हो, ठीक है, तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है, तो आप लोग देखिएगा। तो फर्स्ट आपका आज टॉपिक क्या है, डाटा सफिशियंसी का। तो इसमें क्या होता है, जरा आप पहले देखिएगा कि आपको डाटा दिए जाएंगे, आपसे ऊपर एक क्वेश्चन किया जाएगा, उसके बाद नीचे आपको डाटा दिए जाएंगे। दो डाटा दिए जाते हैं, कभी कभी तीन भी दिए जाते हैं, लेकिन आपका एसआई का एग्जाम है तो दो ही दिए जाएंगे। बैंकिंग लेवल में तीन का आता है, वो भी मेंस एग्जाम में। तो आप देखेंगे कि डाटा सफिशियंसी में क्या होगा, एक आपको क्वेश्चन दिया जाता है और उसी क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन देके आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए उसका आंसर क्या होगा। और आंसर के लिए फिर आपको दो कंडीशन दी जाती हैं, दो कंडीशन आपको दी जाएंगी, एक कंडीशन और दो कंडीशन। एक कंडीशन में आपको कुछ बातें कही जाएंगी, कुछ कंडीशंस दी जाएंगी, क्या आप उससे उसका आंसर निकाल सकते हैं। एक कंडीशन के बाद आपको दूसरी कंडीशन और दी जाती है, क्या आप इससे उसका आंसर निकाल सकते हैं। या तो आंसर एक से निकलेगा या आंसर दो से निकलेगा, या हो सकता है एक से भी ना निकले, दो से भी निकले, हो सकता है कि दोनों को जॉइंट कर दें उससे निकल आए, या हो सकता है पहले से भी निकल आए और दूसरे से निकल आए। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कैसे आपको इसमें क्वेश्चंस किस टाइप से देखने को मिलते हैं। तो आपको ये ऑप्शन इस तरह से दिए जाते हैं, केवल कथन एक उत्तर देने के लिए सफिशियंट है, केवल कथन दो उत्तर देने के लिए सफिशियंट है, या फिर कथन एक तथा दो से मिलकर उत्तर देने के लिए सफिशियंट है, मतलब दोनों के कथन को ऐड करेंगे तब आपका आंसर आएगा। या तो कथन एक से आंसर आएगा या कथन दो से उत्तर मिल जाएगा, या ना तो एक से मिलेगा ना दो से मिलेगा, दोनों को जोड़ लेंगे तब भी नहीं मिलेगा। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट को लेते हैं, ये सभी बातें आप शायद आपको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आती हो, क्वेश्चन फर्स्ट को मैं यहाँ पर लूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर तीन क्वेश्चन ही लिए हैं, उनको अच्छे से एक्सप्लेन भी करना है। तो फर्स्ट यहाँ देखते हैं, H, D, T और W केंद्र की ओर। दोस्तों एक बात आपसे और कहना चाहता हूं, बस 25-30 सेकंड की बात है, कि रीजनिंग की डाटा सफिशियंसी आप कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स की डाटा सफिशियंसी वही कर सकता है जिसने कंसेप्ट वाइज टॉपिक को पढ़ा होगा। शॉर्ट ट्रैक वालों के लिए डाटा सफिशियंसी नहीं है, वो क्वेश्चन को ना छुए वही उनके लिए बेहतर रहेगा। कंसेप्ट अगर आप पढ़ेंगे, जैसे मेंसुरेशन का पूरा कंसेप्ट हुआ आपका, एसआई का हुआ, सीआई का हुआ, एजेस का हुआ, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, शॉर्ट ट्रिक वाले डाटा सफिशियंसी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं यहां पर। एच डी टी और डब्ल्यू केंद्र की ओर मुंह करके वृत्त के चारों ओर बैठे हुए हैं, डी के तुरंत बाएं कौन बैठा। अब देखिए, इसी में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया है, इसी में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि डी के तुरंत बाएं कौन बैठा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप फर्स्ट कंडीशन को उठाएंगे, सबसे पहले आप फर्स्ट कंडीशन को उठाएंगे, दूसरे से अभी आपका कोई भी संबंध नहीं है, आप भूल जाइए कि मेरे पास दूसरा वाला है, सिर्फ फर्स्ट को उठाएंगे। टी और डब्ल्यू के बीच एच है, वृत्त के चारों तरफ बैठे हैं ना, चारों तरफ एक और चार स्टूडेंट हैं आपके, इस तरह से क्या कह रहा है, टी और डब्ल्यू के बीच एच है। इसमें एक कंडीशन दोस्तों और रह गई है, शायद डी डब्ल्यू के तुरंत दाएं है, यहां पर एक कंडीशन और है, डी डब्ल्यू के तुरंत दाएं है, ये छोटी सी बात यहां पर और रह गई, ठीक है, ये दोनों। अब जरा देखिए, टी और डब्ल्यू के बीच में एच है, टी
और W के बीच में क्या है, H है। ठीक है, आप चाहो तो T को यहां पर भी रख सकते हैं। चलिए एक कंडीशन और बना लेते हैं, T और W के बीच में क्या है, H है। ये कंडीशन आपकी और बन गई। ठीक है, आगे देखिए, D W के तुरंत दाएं है, D जो है W के तुरंत दाएं है, अंदर की ओर देख रहे हैं ना, तो इनका दाया क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। इसमें देखिए W के तुरंत दाया, इसका दाया कहां होगा, ये होगा, तो यहां पर H बैठा है, तो ये कंडीशन नहीं है, यही कंडीशन आपकी बन रही है। अब क्या ये कंडीशन जब आपने यहां पर रखा, क्या इससे आपका उत्तर निकल रहा है? उत्तर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डी के तुरंत बाएं कौन है? अब देखिए डी के तुरंत बाएं, तो डी का बाएं क्या हो जाएगा, ये डब्ल्यू। तो यहां से आपका आंसर निकल रहा है, आपको आंसर देना नहीं है, बस आपको ये पता करना है कि क्या इससे आंसर निकल आएगा। तो डी के तुरंत बाएं क्या है, डब्ल्यू है। तो पहले से तो आंसर आपका आ रहा है, पहले से आंसर आपका निकल रहा है। ठीक है, तो ये तो आपने बात को मालूम कर लिया कि पहले से आंसर निकल रहा है, तो मैं यहां पर हल्का सा टिक करता हूं कि पहले से आंसर आपका आ रहा है, पहले से आ रहा है। अब जरा दूसरे से भी चेक कीजिएगा, और इस बात को ध्यान रखेंगे आप, अगर पहले से आंसर आ रहा है तो आप ये नहीं सोचें कि मुझे दूसरे से नहीं निकालना है, आपको दूसरे से भी निकाल के चेक करना है। दूसरा क्या है, एच के बाएं दूसरा डी है, एच के बाएं दूसरा डी है, तो एच के बाएं दूसरा क्या है, डी है, अंदर देख रहा है ना, इसका बाया क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें बस यही इंफॉर्मेशन है, तो बताइए डी के तुरंत बाएं कौन है, डी के तुरंत बाएं कौन है, पता ही नहीं है, क्योंकि आपको सेकंड कंडीशन में इतनी ही इंफॉर्मेशन दी गई है। तो क्या सेकंड से मालूम चल रहा है, नहीं मालूम चल रहा आपको। अब इसका आंसर क्या होगा, अब देखिए केवल कथन एक उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा, उसी पर आपको क्लिक करना है। इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब जरा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सभी को आपको कंसेप्ट करके लेके चलना पड़ेगा, तभी आपका आएगा। डाटा सफिशियंसी का यही एक फॉर्मूला है, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसको छुइएगा, अदरवाइज उसको आप स्किप कर दीजिए क्वेश्चन को। के की माता से एम का क्या संबंध है? अब देखिए के की माता से एम का क्या संबंध है, रक्त संबंध के क्वेश्चन में एक इसमें अच्छा क्या होता है, के और एम का है ना, तो क्या यहां पर के और एम है, नहीं है, इससे तो नहीं आएगा, के और एम है, नहीं है, इससे भी नहीं आएगा, तो पहला दूसरा से तो नहीं आएगा, लेकिन हम लोग फिर भी आपको कंसेप्ट करके बताते हैं। के की माता से एम का संबंध पूछा जा रहा है, के की माता से, यहां पर के की माता होंगी, यहां पर माइनस करता हूं, एम का संबंध, अब यहां पर एम क्या है बाद में देखेंगे। ठीक है, इतना आपका यहां पर है। अब जरा देखिए ये वाला टॉपिक मैंने काफी ज्यादा डाला हुआ है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, रक्त संबंधी के काफी ज्यादा क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट लेते हैं, के की माता और पी की माता बहने बहने हैं, के की माता, के की माता ये हुई, यहां पर माइनस होगा क्योंकि ये लेडीज है, पी की माता, पी की माता आपका ये हो जाएंगी, यहां पर भी लेडीज है, ये दोनों आपस में बहने बहने, तो यहां पर हम डैश करते हैं, बहन भाई का रिश्ता यहां पर डैश से शो करते हैं, अगर कोई पति पत्नी है तो उसको हम प्लस से करते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो क्या पहले से कुछ निकल के आया यहां पर, नहीं आया निकल के, तो पहला मैं यहां पर छोड़ देता हूं। सेकंड जरा देखिए, सेकंड क्या कह रहा है, एम और पी के पिता क्यू के भाई हैं, एम और पी के पिता, एम और पी के पिता, यहां पर पिता है, जब ये दोनों के ये पिता है तो ये आप देखिए आपस में भाई बहन होंगे, मुझे नहीं क्लियर कि ये क्या है, ये इनके पिता है, एम और पी के पिता क्यू के भाई हैं, ये जो है क्यू के भाई हैं। ठीक है, अब क्यू क्या है, प्लस से माइनस से हमें नहीं पता, ये इंफॉर्मेशन यहां पर आई है। क्या आप इससे तो मालूम नहीं आपका हुआ, क्या दूसरे बारे से आप मालूम कर सकते हैं कि के की माता से एम का क्या संबंध है, एम तो यहां पर है, के यहां पर नहीं है, तो ना तो आपका पहले से निकल के आ रहा है, ना ही आपका दूसरे से निकल के आ रहा है। आप क्या करेंगे,
ना तो आपका पहले से आया ना आपका दूसरे से आया, अब दोनों को मिला देंगे। अब दोनों को मिलाएंगे तब आपका कुछ बन सकता है यहां पर। चलिए अब दोनों को यहां पर मिलाएंगे, पहले को भी मिलाएंगे और दूसरे को भी मिलाएंगे। के की माता और पी की माता बहने बहने हैं, या आप इसको देखिए एम। अब आप किसी को भी पहले ले सकते हैं क्योंकि आप दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, एम और पी के पिता, एम और पी के पिता, पी के ये पिता है तो यहां पर आएगा प्लस क्यू के भाई हैं, ये जो है क्यू के भाई हैं, क्यू के भाई हैं, ये अभी मुझे नहीं पता क्या है। आगे देखिए, के की माता और पी की माता बहने हैं, के की माता और पी की माता, के की माता और पी की, अब इनकी माता देखिए यहां पर ये आपका आ जाएगा यहां पर, एक सेकंड जरा रुकिए, इसको जरा सही से बनाना पड़ेगा तब आपका सही आएगा। इसको थोड़ा नीचे बनाता हूं मैं, एम और पी के पिता, एम और पी के जो पिता हैं वो क्यू के भाई है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, यहां पर अभी डैश है, ये ओ नहीं है आपका, यहां पर डैश है क्योंकि यहां पर कोई भी नाम आ सकता है, ये इनके पिता है। आगे देखिए, के की माता और पी की माता, के की माता तो के कहीं आपका यहां होगा, के की माता और पी की माता, ये पी के पिता है तो यहां पर इनकी माता होंगी, माता होंगी तो माइनस होगा और ये आपस में पति पत्नी होंगे। ठीक है, के की माता और पी की माता होगी तो के की माता भी यहां पर होंगी, के की माता यहां पर होंगी, माता है तो यहां पर माइनस आएगा, बहने बहने हैं तो इनका रिलेशन क्या है, भाई बहन का, बहने बहने हैं तो डैश, भाई बहन होता तब भी हम लोग डैश करते हैं, भाई भाई होता तब भी डैश करते हैं, ये आपका हो जाएगा। अब क्या पूछा जा रहा है, अब जरा देखिए ये फिगर आपका बन गया, दोनों से फिगर आपका ये बन गया, कैसे बना, के की माता और पी की माता बहने बहने हैं तो के की माता हो गई और पी की माता ये हो गई, ये आपस में बहने बहने हैं। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा यहां पर, पी एम और पी के पिता क्यू के भाई हैं, एम और पी के पिता तो ये दोनों आपस में भाई बहन होंगे, भाई बहन हो सकते हैं, ये ऊपर जाएगा, ये इनके पिता हैं और ये क्यू के भाई हैं, ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए, के की माता से एम का क्या संबंध है, के की माता से एम का क्या क्या संबंध है, आप देखिए ये एम है, ये एम है तो आपके ये पिताजी हैं, ये इनकी माता है तो ये इनकी माता हुई, माता की ये आप देखिए क्या है, सिस्टर है तो माता की सिस्टर है तो आप देख सकते हैं के की माता, के की जो माता है से एम का क्या संबंध, मतलब एम इनको क्या कहेगा, तो देखिए कहीं ना कहीं आपका रिलेशन, देखिए यहां पर आपको ये नहीं देखना कि माता है या बुआ है या फूफा, कुछ भी हो आप रिलेशन निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे ये बताइए आप, इनका रिलेशन क्लियर है और इनका जेंडर भी क्लियर है तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इनकी माता है, माता की सिस्टर कौन होगी, मौसी होंगी, तो यहां से आप निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका आ जाएगा एक और दो से, यहां पर क्या आएगा, एक और दो से आ जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड, ये आपका आंसर होगा। कुल मिलाकर आपको ये नहीं बताना कि इसमें क्या है, माता है कौन है, अब आपका आंसर आएगा कि नहीं आएगा ये आपको बताना है बस, क्योंकि यहां पर जेंडर, अगर जेंडर क्लियर नहीं होता तो आप नहीं बता पाएंगे ये कौन होगा। ठीक है, चलिए इसको मैं साफ करता हूं, आगे जरा देखिए, क्योंकि उत्तर में कौन है, आपसे थर्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि उत्तर में कौन है, तो क्योंकि उत्तर में कौन है आपसे क्वेश्चन क्या किया गया है, क्योंकि उत्तर में कौन है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है, एक सेकंड रुकिए जरा, तो क्योंकि उत्तर में कौन है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपसे, आगे देखिए, तो फर्स्ट हम मैं यहां पर लेता हूं क्योंकि पहले फर्स्ट लेना पड़ेगा उसके बाद सेकंड लेंगे। टी के उत्तर में एस है, कोई बात नहीं, टी के उत्तर में एस है, आगे देखिए, और टी तथा एस के बीच में क्यू है, टी के उत्तर में एस है, ये इसके उत्तर में एस हो गया, टी और एस के बीच में क्यू है, टी और एस के बीच में क्या है, क्यू, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, आप जरा बताइए क्या पूछा गया था, क्यू के उत्तर में कौन है, तो भाई क्यू के उत्तर में क्या है, एस है, तो पहले से आंसर आपका आ जाएगा।
इस पे मैंने टिक कर दिया। आगे देखिए, पी के दक्षिण में क्यू है, पी के दक्षिण में क्यू है, पी के दक्षिण में क्यू है और पी के उत्तर में एस है, पी के उत्तर में क्या है, एस है। अब बताइए आपसे क्या पूछा गया था, क्यू के उत्तर में कौन है, तो क्यू के उत्तर में पी भी है भाई और एस भी है, दोनों है, ठीक है, इससे भी आंसर आ रहा है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, पहले से भी आ रहा है और दूसरे भी आ रहा है, तो क्या होगा, या तो कथन एक से या कथन दो से, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आ जाएगा, या तो कथन एक से, ए भाई एक से भी आ रहा है आंसर और दो से भी आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है डाटा सफिशियंसी, ऐसे मैथमेटिक्स के भी मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट।